हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनी सोशल मीडिया में। आज का वीडियो है कैसे आप अपने चैट को कैसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अपनी चैट को कैसे आप ये आपको जैसे कि आपको इंग्लिश में नहीं आता है इसका मीन्स क्या होता है, तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बात करते हैं, आपको इंग्लिश में बात करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लिया। तो आपको इसे ट्रांसलेट करने के लिए पहले आप इसको कॉपी करके यहाँ पर गूगल में पेस्ट करते थे, तभी आप ट्रांसलेट कर सकते थे। अब यहाँ पर आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वेयर डू यू गेट माई नंबर फ्रॉम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने छोटे से ऐप की मदद से मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया। आप जैसे कि आप पहले ये करते थे, इसको पहले आप कॉपी करते थे, यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ता था। यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट करते थे तभी यहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते थे, जिससे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता था। आप जैसे कि कोई भी दोस्त आपका इंग्लिश में बात कर यहाँ पर ट्रांसलेट करता है, तो यहाँ पर आप ट्रांसलेट करके जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इंग्लिश में यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सेटिंग व्हाट्सएप में कैसे करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐप का नाम यह है HI डिक्शनरी फ्री लैंग्वेज ट्रांसलेट डिक्शनरी। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक ट्यूटोरियल दिखाया जा रहा है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड को इंग्लिश हिंदी में वो कर रहा है, तो आप इसे ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपको वो आपका फ्रेंड इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग करके बात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दो सेटिंग करनी होगी, फर्स्ट ये, सेकंड ये। आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ करना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको HI डिक्शनरी को फाइंड करके इसको ऑन करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स होंगी आपके आपके फ़ोन में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर डाउनलोडेड सर्विसेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी सर्विस दिखा रहा है HI हाई डिक्शनरी। तो आपको यहाँ पर ओपन ऑन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी फर्स्ट सेटिंग्स हो गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टिक लग गया है। आपको दूसरी सेटिंग में भी ऐसे ही करना है, आपको यहाँ पर अलाउ परमिशन पर दे देना है। आप जैसे ही परमिशन देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी हिंदी दिखेगा आपको, आप इसकी मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको काट देना है, यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, यहाँ पर भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये कैसे लाना, ये कर्सल कैसे आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस एप्लीकेशन दिया है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपको एक फिर से ट्यूटोरियल दिखाई देगा कि कैसे आपको सेटिंग करनी है। माय लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज क्या, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद आपकी फ्रेंड्स की लैंग्वेज क्या है, आपकी फ्रेंड की लैंग्वेज इंग्लिश है, मराठी है, जो भी है आपकी उस फ्रेंड की लैंग्वेज हो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश को सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर एक आइकन बनकर आ जाएगा। इस आइकन का यूज़ कैसे करेंगे हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे ये कैमरे का मतलब कैसे सेटिंग्स कैसे करना होता है, और भी और इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। वॉइस जैसे कि आप कोई भी सर्च करेंगे तो वो वॉइस में आपको बोलेगा कि आपको, तो मैं चलूँगा अपने व्हाट्सएप में। आप जैसे ही व्हाट्सएप में आएंगे तो आपको यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड ने इंग्लिश में लिखा तो आप इसको यहाँ पर आपको कर देंगे तो आपको वो हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। आप जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने टाइप किया ये वर्ड, तो आपको आपको इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता, तो आपको इसको यहाँ पर ला कर इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ आर यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि आपको यहाँ पर पूरा ही कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर ग्लोबल ट्रांसलेट पर आपको क्लिक करना होगा, जितना भी होगा वो सब ट्रांसलेट कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर पूरा ग्लोबल ट्रांसलेट हो गया। तो इसी तरह से आप अपने ग्लोबल को ट्रांसलेट कर सकते हैं, पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसमें क्लिक किया तो पूरा ग्लोबल ट्रांसलेट हो गया। अगर आपको यहाँ से इसको मूव करना है, ये से मूव नहीं होगा, तो आप कैसे मूव करेंगे, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक करना होगा और आपको एक यहाँ पर मूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको मूव करके जहाँ भी इसको लगाना हो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको छोड़ देना, जैसे ही छोड़ेंगे तो वहाँ पर ये सेट हो जाएगा।
इसके बाद जैसे कि आप अपने ऐप को भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, ग्लोबल ट्रांसलेट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ग्लोबल ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर में आपके जितने भी ऐप को होंगे वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जितने भी ऐप्स हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा है कि कौन से ऐप क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप ग्लोबल में क्लिक करेंगे तो सभी को ये ट्रांसलेट कर देगा। इसके बाद आपको होम पेज में आ जाना है। होम पेज आने के बाद आपको यहाँ पर आप बोल कर भी यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ यहाँ पर अपने आप ही टाइपिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर इस ऐप में दिया है ताकि आप बोल कर भी इसमें टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा टाइप होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कैमरे का, तो इस कैमरे का यूज़ कैसे करना है इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो इस कैमरे का यूज़ ऐसे करना है, जैसे आप कैमरे में करेंगे तो आपको जो भी आपको ट्रांसलेट करना हो आपको सिंपली इसकी फ़ोटो खींच लेना। जैसे कि मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, यहाँ पर आप जैसे ही इसको खींचेंगे तो थोड़ी देर लोडिंग लेगा, इसके बाद आपकी फ़ोटो खींच जाएगी। आपको इसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको जिस भी लैंग्वेज को आपको उसमें सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे, ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही कैमरे में इसको क्लिक किया तो ये पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझको दे दिया। आप किसी भी भाषा में यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज है आपको यहाँ पर से ट्रांसलेट करना है, तो आप यहाँ पर जर्मन में देखने चाहते हैं कि जर्मन में कैसे दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जर्मन भाषा आ गई है। इसी तरह से आपको जो भी भाषा आपको सेलेक्ट करनी हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो वही भाषा में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऐप बहुत ही अच्छा है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसी ऐप की तरह बहुत सारे ऐप होंगे जो आप दूसरा ऐप ही डाउनलोड कर लेंगे। इसलिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद पूरी सेटिंग्स करने के बाद इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यह ऐप अच्छा लगा तो इस कमेंट आपको वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि यह ऐप आपको कैसा लगा और यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।